पर्स को हम बनाएंगे एक लेस की हेल्प से, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए मेरे पास कुछ लेस बची हुई थी, उसको मैं लूँगी। और ये मेरे पास एक फैब्रिक था जो काफ़ी ज़्यादा थिक है, और एक जिप थी। इन तीनों की हेल्प से मैं एक प्यारा सा बैग बनाऊँगी, हैंड बैग, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी देखिए मैं लेंथ रख रही हूँ 15 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है जो इसकी, वो मैं रखूँगी 21 इंच। तो इस तरह से रख के उसके बाद सिंपल मैं जो लेस थी मेरी उसको अटैच कर दूँगी, इस तरह से सिलाई करते हुए पूरे में। देखिए ये मैंने जो मेरी लेस थी उस फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है, और ये फैब्रिक है जो काफ़ी ज़्यादा मोटा था, जो मैंने नीचे की साइड में लगाया जिस फैब्रिक को, और ऊपर है जो ये लेस मैंने अटैच कर ली। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद हम सिर्फ 2 कट लगाकर इस बैग को तैयार करेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और ये 2-2 इंच का कट लगाएंगे, और ऊपर से हम थोड़ा सा ऐसे मार्जिन देते हुए तिरछा कर देंगे, जिससे बैग की लुक है जो बहुत ही अच्छी आएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो जैसे अंदर एक और अस्तर आप अटैच कर सकते हैं, अगर आपका फैब्रिक है जो पतला है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा हो। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। तो देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को उल्टा करते हुए 2 इंच का मार्जिन और 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगाएंगे, और इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। उसी फैब्रिक को दूसरी ओर रखते हुए यहाँ भी एक हम वैसा ही कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद ऊपर की ओर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हुए दूसरी ओर भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान को नीचे तक मिला देंगे, इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। आगे यहाँ देखिए, यहाँ हम हैंडल लगाएंगे। इसके लिए पहले हम देख लेंगे इसका आधे इंच पे बिल्कुल इसके हम इसके हैंडल के लिए निशान लगाएंगे, और इसका जैसे कि पूरी चौड़ाई है 15.5 का, हम लोग यहाँ पे हाफ ले लेंगे तो आ जाएगा 7.25 इंच का हाफ यहाँ से रख के यहाँ हैंडल के लिए हम 2.25 इस साइड से और 2.25 इस साइड से, दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। और यहाँ ही हम हैंडल को अटैच करेंगे अपने, और हैंडल के लिए आप चाहें तो जो मार्केट से मिलता है स्टिक मिलती है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी फैब्रिक में से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी फैब्रिक में से जो लेस है उसे यूज़ करूँगी। स्टिप है मैंने 21 इंच की रेडी कर ली है, और इसको मैं अभी रेडी कर लूँगी इस तरह स्टिच करके, इस तरह फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ पर बिल्कुल ये सही रहेगी। ये हमारी स्टिप्स हैं तो देखिए रेडी हो गई हैं, अब हम इसको अटैच करेंगे लंबाई, और इसको देखिए सीधा करके इस तरह से मैं अटैच कर लूँगी पहले, और इसको इस हैंडल को बिल्कुल मजबूती से सिलना है आपको। तो देखिए इस हैंडल को सिलने के बाद हम जिप के लिए फैब्रिक को अटैच करेंगे, नीचे को और फैब्रिक को रख के इस तरह से स्टिच कर देंगे हैंडल के ऊपर एक बार फिर से, जाके हैंडल जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसी तरह हम दूसरी ओर भी कर लेंगे, और देखिए फिर इसको
फैब्रिक को सीधी ओर पलट के इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे और हैंडल भी नीचे ही दब जाएगा इस फैब्रिक के। इस तरह से देखिए दोनों ओर हम कर लेंगे और दोनों स्टिच करने के बाद अब हम जिप को अटैच करेंगे। इसके लिए जो फैब्रिक हमने लगाया था उस पर रख के इसको सिंपल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं वैसे कर देंगे। तो जिप देखिए दोनों तरफ से मेरे अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद से हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे, ऑपोजिट साइड को कर देंगे और उल्टा करते हुए इस बैग को साइड वाले जो दोनों सिलाई है उसको हम लगा लेंगे बिल्कुल मजबूती के साथ। इस सिलाई को लगाने के बाद हम जो ये साइड में हमने जो दो दो इंच का कट किया था इसको निशान के साथ निशान को मिलाते हुए इसको हम सिल लेंगे। इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और देखिए सिलाई हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा जिप को यहाँ से ओपन करके इस बैग को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखिए इस बैग की लुक है जो कुछ इस तरह से आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस बैग के अंदर। और ये बैग है जो आप भी आसानी से बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करिए। और ये देखिए बैग है जो मेरा रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं फिर हम आगे किसी एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, टेक केयर।